देख सकते हैं ये है सबसे पुराना कॉइन जो कि हमारे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज ना अभी दिन के 12 बज चुके हैं और मैं आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज मेरा खाना वाना हो चुका है, लेकिन आज ना मैं बकरे के पास नहीं गए चराने के लिए, जो कि चारा खिलाने के लिए जैसे मैं हमेशा जाता हूँ ना रोज़, तो उस तरह से आज नहीं गया क्योंकि आज मैं घर पर ही हूँ। आज का ब्लॉग ना हम घर पर करने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, तो गाइज ना मेरे पास कुछ कॉइन्स है, रेयर तो नहीं बोल सकते लेकिन ना यूनिक कॉइन्स है, जो कि मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी यूनिक कॉइन्स होते हैं ना, तो उनको मैं इकट्ठा करता हूँ, मुझे शौक है उनको इकट्ठा करने के लिए, मुझे अच्छा लगता है ना। तो मेरे पास कुछ कॉइन्स है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ वो कॉइन। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 का कॉइन, जिसके पीछे आपको दिखाई दे रही होगी ये तस्वीर, जो कि आपको पहचानने भी आ रही होगी, और इधर ना नाम भी लिखा है उनका, देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस सबसे पहले तो कॉइन हमारा ये है जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो अगला कॉइन भी हमारा 5 का है, जिसके पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए माँ श्री माता वैष्णवी देवी का जो कॉइन है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, दिखाई दे रहा है माता वैष्णवी देवी का है, देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अगला कॉइन है 10 का, तो देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी जी और एक महापुरुष के यहाँ पर तस्वीर लगाए दिए गए, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर, खुद देख सकते हैं आप ये देखिए। तो गाइस ये था हमारा अगला कॉइन जो कि इस तरह से ये देखिए। तो गाइस नेक्स्ट कॉइन है हमारा फिर से 5 का है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये तो न्यू कॉइन है, ये तो आप सभी को पता होगा, जो कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था, जो कि आप सभी ने वाला कॉइन तो देखा ही होगा, ये 2001 में आया था, 21 में आया था सॉरी। सेकंड कॉइन भी हमारा उसी प्रकार से, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव था, देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज ये था 2022 का, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज ये जो कॉइन है ना, ये 2021 का था, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और ये है ना, ये है 2 का मतलब 22 का। तो गाइज नेक्स्ट हमारे है 2 कॉइन 172, मतलब 3 थे लेकिन एक अभी नहीं मिल रहा है मेरे को। तो गाइज ये है रही, तो ये रहे हमारे 2 कॉइन जो कि 2012 के दोनों है, एक और था मतलब एक 2012 के ना 3 कॉइन थे एक साथ हमारे पास, लेकिन अभी एक तो नहीं मिल रहा है, तो 2 ही मिल गए यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर एक 5 की नोट जो कि करंट टाइम में अभी बंद हो चुके हैं, ये तो नहीं चल रहे, लेकिन आप सभी ने इस नोट को देखा होगा। तो मेरे पास ये भी नोट है एक, तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसे जो भी पुराने नोट्स वगैरह कॉइन पेन सीखे रहते हैं ना, जो कि यूनिक लगते हैं, मतलब रेयर तो नहीं लेकिन यूनिक होते हैं ना, तो मैं उनको संभाल के रखता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये है, और भी एक है हमारे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये है सबसे पुराना कॉइन जो कि हमारे पास है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये रुपीज़ नहीं ये पैसा है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये देख सकते, ये 1977 का कॉइन है हमारे पास, जो कि अभी ना थोड़ा सा काला हो चुका है। ये मुझे मिला था पहाड़ पर, जो कि आप मेरे ब्लॉग में देखते हैं ना, ये छोटा वाला पहाड़ जो अभी सूख गया था, तो उसी पहाड़ पर मिला था मेरे को ये। तो कैसे देख सकते कुछ इस प्रकार से ये कॉइन, ये थे कुछ कॉइन जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी अभी। तो गाइस बस इतने कॉइन थे मेरे पास, और भी ज़्यादा थे लेकिन अभी तो मिल नहीं रहे, तो बस इतने दिखा पाए आपको। तो गाइस ये थे कुछ यूनिक कॉइन जो मेरे पास थे, रेयर तो नहीं लेकिन यूनिक थे, जो कि मैं संभाल के रखता था, और भी ज़्यादा थे जो कि मुझे आज नहीं मिल रहे ना, वो कॉइन्स मुझे आज ही नहीं मिल रहे, मैंने तो ढूंढा था लेकिन नहीं मिले कुछ, तो बस जितने मिले तो मैंने आपको दिखा दिया। मुझे तो लग रहा है कि आप सब ने कॉइन पहले से देखे हुए होंगे। जो भी आपने पहली बार देखा ना, मेरे को कमेंट में बता देना कि कौन से नंबर का कॉइन आपने पहली बार देखा। तो गाइस आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।